अब इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी जगह पर तेज प्रताप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है तेज प्रताप यादव को। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अखिलेश यादव का नाम लगातार चर्चाओं में था कि क्या वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज पारंपरिक सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन किस तरीके से वो लड़ रहे हैं कन्नौज से और उनकी जगह तेज प्रताप यादव उनके भाई को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां पर बैठक करने के बाद यहां से निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर से, इसी गाड़ी में बैठे हुए हम इस अखिलेश जी देखिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा और इस वक्त अखिलेश यादव एक बड़ी बैठक करके जिस तरीके से मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट पर लगातार गतिरोध बरकरार है, उसके बाद यहाँ पर बैठक किए पार्टी दफ्तर में और उसके बाद बैठक करने के बाद अखिलेश यादव यहाँ से सीधे निकल गए हैं अपने घर के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। इधर यूपी में एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और अपने बेटे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ता तो बिरादरी का वोट कम था, लेकिन बीजेपी के वोट से उनका बेटा लोकसभा में पहुंचेगा। आत्मीयता होते तो जीत के लिए आते हैं, अगर जीत के लिए आए तो आपने देखा होगा कि मैंने 2015 बेटे की बात छोड़ दी थी कि वो सीट ऐसी है कि हम यहाँ प्रभारी मंत्री हैं बहराइच के, 40 साल से पहला इतिहास है कि नगर पालिका जीता हुआ। वोट जो है वोट कैसे आएगा, कैसे हम उसे जीत समीकरण बदल सकते हैं, तो 15 सीट लिया तो उसमें 11 हारी हुई सीट लिया तो 9 उसमें जीत कर लिया। जीतने के लिए हमें समीकरण चाहिए, तो इसलिए हमें उनको कमल चुनाव चिन्ह से लड़ाकर जीत भेजना था।